अस्सलाम वालेकुम। तो अभी अगर हम बताएं, हर एक बच्चे को स्ट्रेस होगा, किसी को इस चीज़ की वजह से स्ट्रेस होगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, किसी को इस चीज़ की वजह से स्ट्रेस होगा कि मैंने तो पढ़ा है बट मुझे याद नहीं रह रहा, किसी को इस चीज़ की वजह से स्ट्रेस होगा मैंने तो पढ़ा है लेकिन मैं रिविजन नहीं कर पा रहा या कर पा रही, राइट। तो हर एक बच्चे को किसी न किसी टाइप का स्ट्रेस है। अभी अगर हम बात बताएं, स्ट्रेस अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, हर एक की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अगर हम किसी चीज़ की अच्छे से परवाह ना करें तब तक हमें वो स्ट्रेस भी नहीं होता, राइट। अभी अगर आपको ये स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट्स, राइट। आप ये सोचते हो कि रिजल्ट जब आएगा तो क्या होगा, मेरे अगर इतने मार्क्स आए तो मैं घर वालों को क्या बताऊंगा। मतलब आपका जो अपना गोल होगा वो अगर आप अचीव नहीं कर पाए, खुदा ना खास्ता, मतलब वही सब आप सोचते हो कि फिर घर वाले क्या बोलेंगे, मतलब बाकी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, राइट। तो इस चीज को साइड में रखो यार, बस इतना दिमाग में रखो अभी मुझे अपना 100% देना है। बाकी इस चीज पे तो यकीन है ना कि अल्लाह ताला ने जो भी हमारे नसीब में लिखा हो वो बेहतर ही होगा। तो अल्लाह ताला बस हमें इतना ही कहते हैं कि आप बस मेहनत करो, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, बाकी जो भी आपने मेहनत की हो उसका फल देना अल्लाह ताला के हाथ में है, एंड अल्लाह ताला को मेहनत करने वाले शख्स बहुत पसंद है। तो बस इतना दिमाग में रखो, मुझे बस अपना 100% देना है, इंशाल्लाह जो भी मेरा रिजल्ट फिर होगा वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसी सब में बेहतरी लिखी होगी, ठीक है। तो बस इतना ही बताऊंगा, टेंशन किसी भी बात की ना लें।